गुड मॉर्निंग क्लास। प्लेटलेट्स तक हम लोग देख चुके हैं। हमने आपको लास्ट वीडियो में ही बताया था कि इसके आगे हम लोग बीपी करने वाले हैं, ब्लड प्रेशर देखेंगे। तो हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है बच्चे? इट इज ए फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लड। इट इज ए फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लड अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ द आर्टरी। ओके, आर्टरी और आर्टरीज। डन। कैसे याद करना है? ये कैसा फोर्स है? ठीक है, कौन लगा रहा है? ब्लड लगा रहा है। किसके अगेंस्ट लगा रहा है? टुवर्ड्स द वॉल ऑफ द आर्टरी। देखो, ये आर्टरी है, आर्टरी के अंदर से ब्लड फ्लो हो रहा है। आपको पता है कि इसका ल्यूमेन कैसा होता है? इसका ल्यूमेन शॉर्टर होता है ना, बहुत ही पतला सा ल्यूमेन होता है। अब इसी में से ब्लड को जाना है। ओके, अब क्या होता है, ब्लड उसी छोटी जगह से जाएगा तो कुछ प्रेशर लगाएगा, है ना, अपोजिट वॉल्स पर, है ना, दोनों साइड वो प्रेशर लगाएगा। तो इसी प्रेशर को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर डिफाइंड एज द फोर्स और द काइंड ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ द आर्टरीज। ओके, क्लियर है बेटा? आगे चले। अब ये जो प्रेशर है ये दो टाइम पे लगेगा। एक, जब हार्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा। और दूसरा, जब वो रिलैक्स करेगा, यानी एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड एट द टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, है ना। हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, ब्लड नीचे वाले कॉलम्स में आता है, ठीक है, रिलैक्स करता है, फ्लो हो जाता है, है ना। यानी कि हार्ट में ये दो मूवमेंट चलते रहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। ओके बेटा, अब इसके लिए टेक्निकल टर्म है। कॉन्ट्रैक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं सिस्टोल या सिस्टोलिक प्रेशर। अब वो प्रेशर जो हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर आर्टरी पे लगाया जाएगा या लगेगा, उसे हम कहेंगे सिस्टोलिक प्रेशर। ओके, नेक्स्ट डायस्टोलिक प्रेशर। वो प्रेशर जो आर्टरी पे लगेगा कब? जब आपका हार्ट रिलैक्स हो रहा होगा, ठीक है, उसे कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। अब इन दोनों प्रेशर का कुछ एक लिमिटेड यूनिट है। यूनिट मतलब कि एक अमाउंट है कि हाँ ठीक है, 120 mmHg तक जाता है तो हम उसे कहते हैं आपका कॉन्ट्रैक्ट, आपका सिस्टोलिक प्रेशर है। बेटा ये प्रेशर देखिए, नॉर्मल प्रेशर देखिए, हमेशा सिस्टोलिक प्रेशर 120 होना चाहिए। सिस्टोलिक प्रेशर 120 होना चाहिए और डायस्टोलिक प्रेशर 80 होना चाहिए। ओके, इसकी यूनिट भी साथ में लिखेंगे, mmHg। mmHg यूनिट है प्रेशर की। किसकी यूनिट है ये? यूनिट ऑफ प्रेशर। ओके, अब ध्यान से देखो, अगर हमने कहा, अगेन वापस से रिपीट कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर मीन्स वॉट? इट इज अ काइंड ऑफ फोर्स विच इज एक्सर्टेड बाई द ब्लड, ब्लड प्रेशर, है ना। यानी कि ऐसा कोई प्रेशर होगा, ऐसा कोई फोर्स होगा जो कि ब्लड के द्वारा लगाया जाएगा। ओके, तो इट इज अ काइंड ऑफ फोर्स विच इज एक्सर्टेड बाई द ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ द आर्टरीज। डन। अब ये कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे हो सकता है और रिलैक्सेशन के टाइम पे हो सकता है। कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे इसका जो रेट होना चाहिए, वो प्रेशर कितना होना चाहिए? 120 होना चाहिए। और आपका डायस्टोलिक प्रेशर कितना होना चाहिए? 80 होना चाहिए। अब बेटा सुनो, अगर ये नॉर्मल है, ये क्या है? ये आपका ये नॉर्मल प्रेशर है, ये आपका नॉर्मल बीपी है, नॉर्मल बीपी, समझ गए? 120/80 इज अ नॉर्मल बीपी। ओके, अब देखो, बीपी के भी दो टाइप होते हैं, हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन। क्या कहते हैं? हाइपोटेंशन और हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन इट मीन्स की हाई बीपी। ओके, और हाइपोटेंशन इट मीन्स की लो बीपी।
हाइपो मतलब लो और हाइपर मतलब हाई, ओके। हाई बीपी, लो बीपी, हाई बीपी को हम कहेंगे हाइपरटेंशन और लो बीपी को कहेंगे हम हाइपोटेंशन, ओके। तो क्या करना है, ये नॉर्मल है, इसमें से हाइपर कर दीजिए। जैसे सपोज 120 आपका, ये करीबन आपका बेटा वैसे तो बहुत ज्यादा चला जाता है, जैसे 140 चला जाए, 150 चला जाए, तो ये 120 से ज्यादा हुआ ना, ओके। और 80 भी आपका कितना चला जाए, लाइक सपोज ये भी आपका 100 चला जाए, तो कितना हो गया, ये हाइपर हो गया। हाइपो में कैसे करेंगे, लो कर देंगे। जैसे 120 है तो करीबन ये आपका जैसे कि 100 पे आ जाए या 90 आ जाए, है ना, 90 आ जाए सपोज, और जो 80 है वो करीबन 55 या 60 तक पहुंच जाए। हम इसे मान लेते हैं 55, है ना, बहुत पैसे कम हो गया, ठीक है। तो ये सब कैसा हो जाता है, ये आपका हो गया हाइपोटेंशन, यानी इस वैल्यू से अगर बढ़ जाए तो हाइपरटेंशन, इस वैल्यू को घटा दे तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेंशन। क्लियर है बेटा। आगे इस बीपी को मेजर करने के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे कहते हैं स्फाइग्मो मैनोमीटर। स्पेलिंग थोड़ी सी लंबी है, प्रैक्टिस करके इसे तैयार करेंगे। डन बेटा। यहाँ पर हमारा ब्लड प्रेशर का टॉपिक खत्म होता है। रिवाइज कर करके देखेंगे तब इजी आप समझ पाएंगे। आगे चलें। इट इज नॉट फिक्स्ड, है ना, ये थोड़ा सा वर्ड और भी, ये और भी जा सकता है, ये और भी गम भी हो सकता है, ठीक है ना। तो बस आप इतने हाइपर मतलब ज्यादा, यानी इस वैल्यू से ज्यादा कर दो, और हाइपो मतलब कम, यानी इस वैल्यू को कम कर दो, ओके। तो ऐसा मत सोचना कि 140 इज द फाइनल यूनिट, ओके, और फाइनल ब्लड प्रेशर, ऐसा नहीं है। किसी किसी में ये वैरी करता है, इतना ही नहीं होता, कहने का मतलब है बस नॉर्मल से ज्यादा हो जाना, ओके बेटा। नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स को ज्यादा मूव नहीं करना है, लेकिन फिर भी तो कुछ मटेरियल होगा ना जो उसे भी ट्रांसपोर्ट करना होगा, लाइक क्या हो सकता है। फर्स्ट वन इज वाटर, आयंस हो सकते हैं, ओके, और दूसरा क्या हो सकता है, फूड हो सकता है ना, लाइक ग्लूकोज बनता है, इट इज अ फूड, है ना, फूड ट्रैवल होना है, ओके। लेट मी चेंज माय स्केच, ओके। इसके अंदर प्रोसेस भी दो लगेंगे, एक जो वाटर और आयंस को लेके जाएगा और दूसरा फूड को ट्रैवल कराएगा, ओके। वाटर और आइंस को ले जाने के लिए जो पहली थ्योरी यूज होती है उसे हम कहते हैं एसेंट ऑफ सैप। बेटा सैप का मतलब होता है कोई भी लिक्विड विच इज नॉट ओनली वाटर, यानी वाटर नहीं होना चाहिए। वाटर में अगर कुछ मिक्स कर दिया तो वो सैप कहला सकता है, ठीक है ना। जैसे वाटर में आयंस मिक्स कर दो, है ना, देन वी मे कॉल इट सैप, ओके। तो सैप हो गया, एक थ्योरी है एसेंट ऑफ सैप की, ओके। एसेंट ऑफ सैप में आपको ये आपका वाटर आयंस को हमें ट्रैवल कराना है, और आयंस किससे ट्रैवल करेंगे, थ्रू दी सेल्स ऑफ जाइलम, ओके। जाइलम की हेल्प से इसको हम ट्रैवल कराएंगे, ये आपका सेल है जो लेके जाने वाला है, ओके। इसके अंदर भी दो थ्योरीज क्या है बेटा, पहला ट्रांसपिरेशनल पुल, ओके। नेक्स्ट वन इज रूट प्रेशर। क्लियर है। एसेंट ऑफ सैप मतलब यानी वाटर और आइंस को हमें ट्रांसपोर्ट करना है, ओके। यहाँ पे हमने लिखा वाटर एंड आइंस कौन लेकर जाएगा, जाइलम, ओके, जाइलम हेल्प करेगा। और थ्योरी कौन कौन सी यूज होगी, कौन सा प्रोसेस यूज करना है, ट्रांसपिरेशन पुल और रूट प्रेशर, ओके। ये हो गया एक, यानी कि लिक्विड मटेरियल के लिए। अब हमें चाहिए फूड के लिए जो मैथड यूज होता है उस प्रोसेस का नाम है ट्रांसलोकेशन,
क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन। क्लियर है बेटा, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री। ठीक है, अब पहले हम समझेंगे, हम डिवाइड कर लेते हैं। अब इतने में हम ट्रांसपिरेशनल पुल समझेंगे। देखो बेटा, ये है आपका ट्री, है ना, यहाँ बाहर लीव्स होंगी ना, सबसे ऊपर ऊपर लीव्स रहती है ना। ओके, जितना भी वाटर प्लांट को डाला जाता है, किसी ट्री को दिया जाता है, प्लांट की बात करते हैं हम, अंदर में किसी प्लांट को वाटर दिया, ओके, उसमें से जितना हमें जरूरत है, है ना, उसको हम फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, जो एक्स्ट्रा हो जाता है, जो एक्स्ट्रा हो जाता है, उसे हम क्या करते हैं, उसे हम रिमूव कर देते हैं, उसे हम लीफ के थ्रू रिमूव कर देते हैं। क्या कहते हैं उसे, रिमूवल ऑफ वाटर, है ना, इट इज एक्सेस वाटर, है ना, रिमूवल ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। क्लियर, ये पता है, एक्सेस वाटर को हम निकाल देंगे। ट्रांसपिरेशन की वजह से क्या हो जाएगा, अभी देखो आपको पता चलेगा। ट्रांसपिरेशन का ही एक फॉर्म ट्रांसपिरेशन पुल है। ट्रांसपिरेशन की वजह से, पुल मतलब खींचना, है ना, तो इस ट्रांसपिरेशन की वजह से, इस प्रोसेस की वजह से एक पुल लगती है, जिसे हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। अब देखो कैसे, अब सपोज ये ट्री में जितने भी सेल्स हैं, हम उसको इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं, ये रहे ट्री के सेल्स, है ना, ऊपर से लेकर नीचे तक सारे सेल। ठीक है, इस सेल में जो वाटर कंटेंट था, फर्स्ट सेल में जो वाटर कंटेंट था, ऊपर से हम देख रहे हैं ना, यहां से देख रहे हैं, जो फर्स्ट सेल में वाटर कंटेंट था वो तो ट्रांसपिरेशन की वजह से खत्म हो गया। ओके, यानी अब ये सेल कैसा दिखना चाहिए, अब ये सेल वेकेंट दिखना चाहिए। अब यानी सब में वाटर है लेकिन फर्स्ट में नहीं है, सब में वाटर है लेकिन किसमें नहीं है, फर्स्ट में वाटर नहीं है, क्योंकि वाटर तो हट गया, वाटर ट्रांसपिरेशन से हट गया। अब क्या होना है बेटा, ये जो यहाँ पर वाटर नहीं है, ये एक तरह का वैक्यूम क्रिएट करता है। ठीक है, तो इससे क्या हो जाता है, इस जो सेकंड सेल है उसका जो वाटर है वो फर्स्ट वाले में जाने लगेगा। ठीक है, वो इसमें ट्रैवल हो जाएगा। तो अब देखो फर्स्ट वाले के पास भी वाटर हो गया। लेकिन मुझे एक बात बताओ, जब ट्री इतना बड़ा बड़ा है तो नॉर्मल डिफ्यूजन से काम नहीं ना होता है, है ना, तो नॉर्मल आपका वाटर जो है वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए कुछ हमें क्या कुछ एक फिजिकल फोर्स चाहिए। इस फिजिकल फोर्स में क्या होता है कि दो प्रोसेस लगते हैं। पहला ट्रांसपिरेशन पुल, यानी कि ऊपर से हम वाटर कंटेंट को खींच रहे हैं, है ना, यहाँ खाली हो गया, यहाँ पे एक सक्शन प्रेशर लगेगा और वो ऊपर खींच लेगा। ठीक है, खींच लिया, कोई बात नहीं, लेकिन इतने बड़े ट्री में नीचे से भी तो कोई प्रेशर लगना चाहिए। अब इसको देखो बेटा, इस तरह से इमेजिन करो, ऐसे इमेजिन करना है, कभी आपने ट्रेन देखी होगी ना, ट्रेन में क्या होता है कि ट्रेन में जब कोई बच्चा काफी बड़ा होता है तो उसे क्या करते हैं, उसे हम ऊपर से खींचने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, क्या करते हैं, जैसे कोई लंबा सा बच्चा है, उसे बिठाना है ऊपर, हम खींचने के। लेकिन मुझे बताओ, जब हम ऊपर से खींचते हैं, है ना, तो क्योंकि उसकी लेंथ बहुत ज्यादा है तो हमें नीचे से भी प्रेशर लगानी पड़ती है ना, हम पैरों से ही प्रेशर लगाते हैं और ऊपर से कोई इंसान उसे हाथ से खींच लेता है तो इजिली वो ऊपर मूव कर जाता है। वैसे ही यहाँ पर है, वहां पर इसमें ऐसे समझिए कि आपका प्लांट बहुत लंबा है, है ना, उसकी लेंथ बहुत ज्यादा लंबी है, और ऐसे ही आपका जो है वो है, आपका जो ट्री है वो भी, उसकी भी लेंथ बहुत ज्यादा होती है। तो इतने नीचे से ऊपर तक पानी जाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि यहाँ पर दो तरीके के प्रेशर लगेंगे, एक कहेंगे रूट प्रेशर, एक कहेंगे ट्रांसपिरेशन पुल। ट्रांसपिरेशन पुल ऊपर से खींच रहा है लेकिन हमें नीचे से भी कुछ प्रेशर लगाना पड़ेगा। ओके, नीचे से प्रेशर लगाने के लिए, यानी कि जो रूट से प्रेशर लगती है उसे हम कहते हैं रूट प्रेशर। रूट प्रेशर क्या होती है, इट इज अ काइंड ऑफ प्रेशर, देखो रूट प्रेशर यानी रूट पे लगने वाला प्रेशर, है ना, सिंपल प्रेशर। इट इज अ काइंड ऑफ प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय रूट्स फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वॉटर, है ना, इसमें अपवर्ड के लिए, है ना, इन अपवर्ड डायरेक्शन लिख सकते हैं, इन अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, अब यहां पे क्या है, सपोज ये रहे आपका रूट, ये रहे वॉटर के कंटेंट,
ये रहा वाटर, ये रहा वाटर, ठीक है, और सॉइल में कुछ आपके एलिमेंट्स भी प्रेजेंट हैं। अब क्या हो जाएगा, ये मिक्स होके यहाँ पर आएंगे। अब यहाँ से जो आपने देखा कि ये वाटर ट्रैवल हुआ है, तो हमें नीचे से भी तो भेजना पड़ेगा। तो वाटर कंटेंट हम देखो इस तरह करके भेज रहे हैं, रूट प्रेशर लग रही है, नीचे से भी प्रेशर लग रही है, ऊपर से भी पुल लग रही है, तो धीरे धीरे करके वाटर ऊपर की तरफ ट्रैवल करके पहुंच जाएगा। क्लियर है बेटा, सब समझ में आया? आगे चलते हैं, ये आपका दो थ्योरी में कवर होता है। इसके बाद आते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन में कुछ नहीं है, ट्रांसलोकेशन में जो लीफ में जो फूड आपका प्रिपेयर हुआ था, लीफ में जो आपका फूड प्रिपेयर हुआ था, उसको प्लांट के सारे पार्ट्स तक पहुंचाना, ऑल द पार्ट्स, सारे पार्ट्स तक पहुंचाने के प्रोसेस को ही ट्रांसलोकेशन कहते हैं, है ना। फिर वो चाहे कौन क्या हो, चाहे वो रूट हो, फिर चाहे वो बड हो, है ना, स्टेम हो, हर जगह जो फूड ट्रांसफर होगा उस प्रोसेस को हम कहेंगे ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन इट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग अ फूड विच इज प्रिपेयर्ड बाय लीफ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। आपको क्या करना है, जो खाना लीफ में प्रिपेयर हो गया है उसको आपको पूरे ट्री में ट्रांसपोर्ट करना है, हर एक पार्ट को देना है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। अंडरस्टूड बेटा, इतना समझ में आया? बार बार रिपीट करना, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स थोड़ा सा टिपिकल है, समझने की कोशिश करो। यहाँ पर अगेन बता रहे ट्रांसपिरेशन को, ट्रांसपिरेशन की वजह से जो वाटर वेपर बनकर यहाँ पे वाटर निकल गया है, अब उसे क्या करना, उस जगह को फिल करना पड़ेगा, तो नीचे वाला शिफ्ट हो जाएगा। ओके, नीचे वाला शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन शिफ्ट तो हो रहा है लेकिन आपका ट्री बहुत बड़ा है ना, तो नीचे से भी आपको प्रेशर लगानी पड़ेगी। नीचे से प्रेशर कौन लगाता है, रूट लगाता है। डन, आगे चले, आगे चलते हैं। आगे हमारा टॉपिक है, ओके इसे फ्लिप करने दो। आगे जो हम लोग टॉपिक करने वाले हैं वो है एक्सक्रीशन। आपको हमने पिक्चर सेंड करी थी एक्सक्रीटरी सिस्टम की, अभी तक आपने देखा कि किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। इवन जो आपका गैसेस ट्रांसपोर्टेशन है वो भी हो गया। अच्छा, इसमें हमें एक चीज और देखनी है, वो ये कि हमें थोड़ा सा एडवांटेजेस देखने होंगे। अभी जो आपने ट्रांसपिरेशन देखा, जो ट्रांसपिरेशन हुआ है, जो भी प्रोसेस हुआ है, ट्रांसपिरेशन हुआ है, इसके कुछ फायदे हैं ना। इसके क्या फायदे हैं कि प्लांट का टेम्परेचर मेंटेन होता है। ओके, दूसरा अपवर्ड मूवमेंट हो जाता है वाटर का, अपवर्ड मूवमेंट हो जाता है, क्लियर है। और एक्सेस ऑफ वाटर रिमूव हो जाता है। इतनी चीजें होती है ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस में है कि वजह से हेल्पफुल रहता है। एक चीज और बताना बोलते हैं कि आपका जो फूड ट्रांसपोर्ट हुआ है बेटा, रुको बताओ कहाँ बताया था, हाँ ट्रांसलोकेशन, यहाँ ध्यान से सुनिएगा। ये जो आपका भी ट्रांसलोकेशन समझाया हमने, ये ट्रांसलोकेशन होता किसकी वजह से है, थ्रू द सेल्स ऑफ फ्लोएम। कौन से सेल, फ्लोएम, ठीक है, वाटर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए ज़ाइलम, फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए फ्लोएम। ओके बेटा, चलो चलते हैं। अब आपने देखा कि किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन हो गया। अब हमने हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में सारे स्केच ही नहीं चल रहे भाई, क्या हो गया। एक्सक्रीशन में अभी तक आपने देखा कि अभी आपको जो एक्सेस वाटर है वो आपने निकाल दिया, ठीक है ना, और स्टोमेटा के थ्रू आप जो है, जो आपकी ऑक्सीजन होगी आप उसे रिमूव कर लेंगे, है ना। प्लांट में सारी गैसियस एक्सचेंज, यानी गैसियस प्रोडक्ट को निकालना
देखो बहुत इजी हो जाता है। अब आते हैं हम लोग लिक्विड वेस्ट के लिए या कुछ ऐसे मेटाबॉलिक वेस्ट के लिए। ओके, मेटाबॉलिक वेस्ट एक्सक्रीशन क्या है? इट इज द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी थ्रू द प्रोसेस ऑफ थ्रू द सिस्टम ऑफ थ्रू द एक्सक्रीटरी विद द हेल्प ऑफ कह सकते हो है ना, थ्रू द एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू मेटाबॉलिक वेस्ट को या यहाँ पे नाइट्रोजिनस वेस्ट भी कह सकते हैं, एंडो वेस्ट है ना, नाइट्रोजिनस वेस्ट बॉडी से रिमूव करने के प्रोसेस को हम एक्सक्रेशन कहते हैं। क्लियर है बेटा? आपको मैंने ये वाला डायग्राम बना के दिखाया हुआ था, यहाँ साइड में बना देते हैं सिंपल। ये आपके किडनी, यूरेटर, इसे लोन बनाते हैं, लेबल नहीं करेंगे ठीक है ना, समझाया हुआ है हमने डायग्राम में बार बार। किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, क्लियर डन। आगे चले, यानी कि आपका मेटाबॉलिक वेस्ट है क्या? मेटाबॉलिक वेस्ट मतलब क्या होता है? आपकी बॉडी में बहुत सारे एक्टिविटीज हो रही होती है ना, रिएक्शन हो रहे होते हैं, उस रिएक्शन का आउटपुट है कि आपको देखो वर्क तो बहुत कुछ हुआ, उसमें से CO2 भी निकला, यूरिया निकलेगा, यूरिक एसिड निकलेगा है ना, ये सारे वेस्ट हमारे लिए और भी कुछ है बट आपके कोर्स में इम्पोर्टेंट नहीं है ठीक है। तो ये सारे आपकी बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल है, अगर ये बॉडी में रिटेन कर जाए रह जाए तो ये बहुत हार्मफुल है। तो बेटा जो CO2 है ये तो लंग्स से बाहर हो जाता है ना, हम लोग भी ब्रीदिंग करते हैं ना तो हम लोग इसको CO2 को बाहर निकाल देते हैं, बचा यूरिया और यूरिक एसिड है ना। इन दोनों के लिए बॉडी को क्या बनानी पड़ती है? यूरिन बनानी पड़ती है। यूरिन के थ्रू ये दोनों वेस्ट बॉडी से बाहर हो जाएंगे, ये दोनों वेस्ट क्या हो जाएंगे? बॉडी से बाहर हो जाएंगे। ओके, तो कुल मिला के मसला क्या है? हम यूरिन क्यों बनती है हमारी बॉडी में? ये हेल्प करती है कि किसी तरह से हम यूरिया और यूरिक एसिड को बाहर निकाल लें, क्योंकि बॉडी में रह गई तो ये खतरनाक है। ओके, प्रोसेस देख लो, यूरिन फॉर्मेशन होगी ठीक है विद द हेल्प ऑफ नेफ्रॉन्स। हमारी बॉडी में किडनी की यूनिट है नेफ्रॉन्स, जो नेफ्रॉन होता है वो किडनी की क्या है? स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है। ओके, तो यूरिन फॉर्मेशन नेफ्रॉन्स में होती है, फिर क्या होता है किडनी में है ना, किडनी में नेफ्रॉन्स है, यहां बन गया सब कुछ, फिर ये यूरिन पास होती है यूरेटर से पास होती है, और कहां आती है? यूरिनरी ब्लैडर में आती है ठीक है। उसके बाद ये स्टोर्ड रहती है ठीक है, ये स्टोर्ड रहती है, तब तक स्टोर्ड रहती है जब तक ब्रेन को रिफ्लेक्स नहीं जाता कि इसको एम्प्टी किया जाए है ना। उसके बाद ये यूरेथ्रा से बाहर आ जाती है, क्लियर है? ये आपका यूरिनरी ओपनिंग, ये यूरेथ्रा डन। यहां से तब तक ये, जब तक इसमें ये फुल नहीं होगा या एक प्रेशर नहीं जनरेट होगा, जब तक ये एक पर्टिकुलर अमाउंट तक ये यहाँ पे स्टोर नहीं हो जाता तब तक ये रिफ्लेक्स नहीं देता है ठीक है। ऐसा नहीं है कि इस ब्लैडर में आ जाए यूरिन तो ये सीधे पास हो जाएगा, नहीं, इसमें क्या लगे रहते हैं? इसमें भी वाल्व्स होते हैं है ना, अभी अपने हार्ट में पड़ा ना वाल्व्स, यहाँ पे स्पिंचर कहते हैं उसके, क्या कहते हैं? स्पिंचर कहते हैं, जो रोक के रखते हैं ठीक है ना, कि आपको नहीं अभी अभी नहीं आना है। जब तक रिफ्लेक्स नहीं जाएगा ब्रेन को ये बात पता नहीं चलेगी कि ये ब्लैडर भर गया है, अब हमें एक अर्ज की जरूरत है, डजार की जरूरत है, वो किस लिए? इसको रिमूव करने के लिए। तब वो रिफ्लेक्स का एक्शन आएगा, रिप्लाई आएगा, और फिर ये स्पिंचर इस यूरिन को रिमूव करने की परमिशन देगा। क्लियर है इतना? ठीक है, आगे चले। आगे अगेन अब हम लोग को नेफ्रॉन समझना है, क्योंकि एक्सक्रीशन समझ में आ गया, क्योंकि क्या होगा? यूरिन बनेगा, यहाँ पे स्टोर, यहाँ से फिल्टर होकर आएगा, ब्लड से फिल्टर होना है और यहाँ पे आ जाएगा ठीक है। यहाँ पे तब तक रहेगा जब तक ये फुल नहीं हो जाता, उसके बाद फिर ये रिमूव होता है ठीक। आगे चलते हैं, ये है स्ट्रक्चर आपका, नेफ्रॉन का स्केच ठीक से चल ही रहा है, चेंज अगेन लेबल नहीं करेंगे, हमसे बोलेंगे ध्यान से सुनो।
ये आपकी बोमन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, एफरेंट आर्टरी, इफरेंट आर्टरी, ठीक है। ये पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल, प्रॉक्सिमल बोले तो प्रॉक्सिमल का मतलब इस बोमन कैप्सूल के जो पास की एरिया है, प्रॉक्सिमल पास में है, ठीक है, तो हम इसे कहते हैं प्रॉक्सिमल। कॉन्वोलेटेड क्यों? कॉन्वोलेटेड क्योंकि ट्विस्टेड है, ट्यूब्यूल मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ओके। फिर ये है लूप ऑफ हेनली, इधर है डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, सेम रीजन, डिस्टल क्यों? क्योंकि ये बोमन कैप्सूल से दूर है, क्लियर। ये है आपकी कलेक्टिंग डक्ट। अब क्या होता है बेटा, ये आपकी जो एफरेंट और जो आपकी आर्टरी है, ये क्या करती है, ब्लड लेकर आती है, ग्लोमेरुलस में ब्लड आता है, फिर क्या होता है, ये फिल्टर हो जाता है। ये क्या होता है, बोमन कैप्सूल में फिल्टर हो जाता है, ठीक है। फिल्टर क्यों हुआ, फिल्टर वो सारी चीजें हो जाती है जो कि जिनका अमाउंट बहुत छोटा होता है, जिसका साइज बहुत छोटा होता है, यूरिया, यूरिक एसिड, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स भी आ जाते हैं, वाटर भी आ जाता है, ग्लूकोज भी आ जाता है इवन, पता है, इस वाले पार्ट में जो यहाँ पर आपका फिल्ट्रेट इकट्ठा होगा उसमें तो ग्लूकोज भी आ जाता है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें आ जाती है, लेकिन आपको रिमूव क्या करना है, यूरिया और यूरिक एसिड। तो यहाँ पे कंटेंट क्या क्या आ गया, ब्लड से फ्लो होके आ गया आपका ग्लूकोज, यूरिया, यूरिक एसिड, ओके, ये सारी चीजें आ गई, वाटर, आयंस, आयंस का मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सारी चीजें आ गई। लेकिन क्या ये सारी चीजें वेस्ट है? नहीं ना, हमें क्या इसे निकालना है, हमें तो पता है, हमें तो यूरिया निकालना है और यूरिक एसिड निकालना है, हमें तो वापस अभी ग्लूकोज का काम है, क्योंकि हमने देखो अभी रेस्पिरेशन में, सेलुलर रेस्पिरेशन में इसको तो ब्रेक डाउन किया था, इसको तोड़ेंगे तभी तो हमें एनर्जी मिलेगी, तो यानी हमें जरूरत है वाटर, वाटर भी बहुत एसेंशियल है, आयंस ये भी बहुत एसेंशियल है, ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करते हैं, ऑस्मोटिक बैलेंस हमारी बॉडी में मेंटेन करते हैं वाटर एंड आयंस, तो हम इसको भी नहीं छोड़ सकते। तो यानी कि ये ब्लड से फिल्टर होकर जरूर आ गए हैं, लेकिन यहाँ पे आगे क्या होता है, इस नेफ्रॉन में काम की चीजों को वापस से रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है, क्या करते हैं हम, रीएब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो बेटा इस नेफ्रॉन का, ये जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन का वर्क क्या हुआ, टू फिल्टर नाइट्रोजिनस वेस्ट, ठीक है, फिर टू रीएब्सॉर्ब क्या, ग्लूकोज, है ना, वॉटर, आयंस, ये सब क्या है, फंक्शन है ना। नेफ्रॉन फिल्टर जरूर कर लेता है, लेकिन बाद में उसे रीएब्सॉर्ब भी करता है, क्योंकि हमें ये सारी चीजें काम में चाहिए, हमारी बॉडी को एसेंशियल है, नीड है ये इन सब चीजों की, क्लियर है बेटा। यहाँ पे आपने एक्सक्रीशन देखा किस तरह से फिल्टर होकर आई सारी चीजें, ये सारी कहां से आ रही है, आर्टरी, ब्लड लेकर आ रहा है, लेकिन उसी ब्लड में बेटा क्या हो गया है, उसका नाइट्रोजनस वेस्ट भी आ गया है। अब ब्लड से हमें नाइट्रोजनस वेस्ट को निकालना होगा, तो ये पूरा प्रोसेस है, जो प्रोसेस है पूरा रिमूवल का, ये आपका कौन प्ले करता है, नेफ्रॉन प्ले करता है, ओके। थैंक यू क्लास, आज हम यहाँ पे बाइंड कर रहे हैं, इसके बाद एक टॉपिक बचा है आपका एक्सक्रीशन इन प्लांट्स और प्लस हीमोडायलिसिस, यहीं पे टॉपिक एंड करते हैं, रिवाइज करके देखेंगे, ठीक है, तब आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ओके। थैंक यू सो मच क्लास, कोई डाउट होगा मुझे मैसेज कर लेना, ओके, थैंक यू सो मच।